हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। मैं अंशिका आज वापस से आ गई हूँ आपके लिए रिव्यू वीडियो लेके। बट हाँ, ये रिव्यू वीडियो होने वाला है बाकी सारे रिव्यू वीडियो से थोड़ा सा अलग, क्योंकि ये रिव्यू वीडियो मेकअप प्रोडक्ट नहीं, मेकअप रिमूवर के बारे में है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए हमारी स्किन के लिए। सिमिलरली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ अ वेरी गुड क्वालिटी मेकअप रिमूवर, क्योंकि मेकअप रिमूवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि स्किन केयर रूटीन में। अगर आप प्रॉपर एक अच्छा मेकअप रिमूवर यूज़ करते हो तो क्या होता है, ये प्रॉपरली पूरा स्किन से मेकअप को रिमूव करता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, लाइक पिम्पल, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स एंड मैनी स्किन प्रॉब्लम्स। सो इट्स वेरी गुड टू यूज़ अ वेरी गुड मेकअप रिमूवर। अब मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ वो है गार्नियर मिसेलर का ऑयल इन्फ्यूज्ड मेकअप क्लींजर। इस क्लींजर की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें आर्गन ऑयल है और ये ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर है। हमेशा याद रखिए कि हमें भी पता है कि मेकअप जो हम लोग वाटरप्रूफ मेकअप यूज़ करते हैं, अगर हम उसको प्रॉपरली रिमूव करना चाहते हैं तो हमें ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर का ही यूज़ करना चाहिए। एंड दिस इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर वाटरप्रूफ मेकअप। इसका गार्नियर का एक और प्रोडक्ट आता है जो नॉर्मल मेकअप के लिए यूज़ करते हैं एज अ रिमूवर, बट आई वुड प्रेफर कि हमेशा हम ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर ही यूज़ करें। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो इसका प्राइस है फॉर 400 ml, इट्स 400 rupees। अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड, नॉट दैट मच ऑफ प्राइस और ना बहुत ज़्यादा कम है, सो इट्स गुड। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें इसको यूज़ करने का तरीका ऐसा है कि आप अभी देख रहे होंगे कि इसमें एक लेयर है। सो हमेशा याद रखो कि जब भी हम इस मेकअप रिमूवर को यूज़ करें उससे पहले इसको प्रॉपरली हम शेक कर लें, अदरवाइज़ हमें जो इक्विवेलेंट है दोनों का रेशियो आना चाहिए वो नहीं मिलेगा और वो एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। सो हमेशा इसको प्रॉपरली ऐसे शेक करें, उसके बाद यू कैन सी दैट कि ये एक मिक्सचर काइंड ऑफ थिंग दिख रहा है आपको, देन यू कैन यूज़ इट। नाउ मैं इसका आपको डेमो भी दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ मेकअप को रिमूव करने में हेल्प करता है। अब मैं अगर बात करती हूँ तो मैंने इसे ये कॉटन पैड में मैं इसको लूँगी। फर्स्ट, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि द लिपस्टिक दैट आई एम वियरिंग, इट्स मेबेलिन मैट इंक, जो कि वाटरप्रूफ लिपस्टिक है। और मैं आपको प्रूफ भी बता सकती हूँ कि ये देखिए, ये बिल्कुल भी इस पे ग्लास पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही, दैट मीन्स इट्स टोटल वाटरप्रूफ और ट्रांसफ़र प्रूफ। सो अब मैं इस प्रोडक्ट को लूँगी बहुत थोड़ा सा मिनिमल अमाउंट। एंड इस प्रोडक्ट के हमें कैसे यूज़ करना है कि इसको नॉर्मली हमें डैप करना है, हमें रब नहीं करना है, हमें डैप करना है। और मैं डैप से ही दिखाऊँगी आपको कि कैसे वर्क करता है। सो मैंने इसको 5 to 10 seconds के लिए डैप किया। सो यू कैन सी कि वन डैप में ये पूरा लिपस्टिक इस पैड पे है। और फाइनल क्लीन करने के लिए मैं एक बार हल्के हाथों से इसको क्लीन करूँगी। सो यू कैन सी द रिजल्ट्स, कंप्लीट लिपस्टिक जो कि वाटरप्रूफ लिपस्टिक है कंप्लीट ये इस पैड में है। तो मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा थम्सअप है इस क्लींजर को, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लींजर यूज़ किए हैं बट दिस इज़ टिल नाउ वन ऑफ द बेस्ट क्लींजर आई हैव यूज्ड। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। और इसको लगाने के बाद मुझे कोई भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, सो आई कैन से दैट कि ये स्किन सेंसिटिव स्किन वालों के लिए प्लस ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये मत सोचो ऑयली स्किन वालों की इसमें ऑयल है तो ये कुछ पिंपल एंड दैट ऑल इशू क्रिएट करेगा। ये बहुत ही लाइट वेट है और आप जब स्किन में इसको अप्लाई करते हो तो बिल्कुल भी ऑयल फील ही नहीं होता है। सो फ्रॉम माई साइड गो फॉर इट, थम्सअप फ्रॉम माई साइड। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही रिव्यू वीडियोस करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो एंड शेयर करो, ताकि और भी लोग देखें और जाने कि व्हाट आर द गुड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। एंड ऑल्सो एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ। बाय बाय।